बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, हम आज आलू मटर का सालन बना रहे हैं। ये देखें, अब हमने इसमें घी डालना, हमने टमाटर डाल, ये प्याज डाल दिए दो अदद, अब इस पे देखते हैं मक्खन। ठीक है, ये देखो, अब प्याज जो है वो नरम हो चुके हैं। एक अदद बड़ा टमाटर है, सबसे पहले हमने नमक डाला, फिर एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आलू मटर 1 किलो आलू, आधा किलो मटर, माशाल्लाह ऐसे भून भून के पका लेंगे, पानी नहीं अभी डालना। ये देखें, अब हम पानी डालने लगे, शोरबे वाला हम सालन बना लेंगे। ये हमने साबत ही 4 अंडे डाल दिए और साथ ही सालन पकने के साथ साथ ही बॉयल हो जाएंगे अच्छी तरह वाश करके, तो हमने डाल दिए 4। ये शोरबे वाला सालन बनेगा अंडों वाला। सालन हमारा पक चुका है, अब अंडे छील के इसके अंदर डालते हैं। ये देखें, अब हम गरम मसाला, कुटा हुआ गरम मसाला और धनिया और खुशक धनिया, तीनों चीज़ें कूट ली हैं, अब ये मिक्स कर दी। ये देखें माशाल्लाह, चले इस पे ढकना दे देते हैं।
खुशबू इसके अंदर ही जल्दी हो जाए। ये देखें हमारे आलू मटर और अंडे बॉयल तैयार हो चुके हैं। ये देखें साथ, ये देखें अब काट के सबको साथ साथ देते जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा शोरबे वाला सालन तैयार हो चुका है। ऐसे अंडों के साथ सर्व करें रोटी के साथ। ये देखें हफ्ते में एक बार शोरबे वाला सालन ज़रूर खाना चाहिए हर इंसान को। अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को देश परदेश में अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। हम मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।